प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC की तरफ से जो जूनियर इंजीनियर की बहाली जो है 2019 में जो है आपका निकाला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो है आपका फैसला सुनाया है। फाइनल जजमेंट जो है 4 अक्टूबर को जो है आपका जारी किया गया था, फाइनल जजमेंट, जिसमें बताया गया था कि रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट जो है आपका जारी किया जाए, है ना। और उसमें जो भी मेरिटियस कैंडिडेट हैं उन सभी को सिलेक्ट करके उनको जो है ज्वाइन करवाया जाए डिपार्टमेंट को सौंप कर। तो BTSC जो है नए सिरे से अपनी जो है काम कर रही है, कई सारी नोटिस भी निकाला जिसमें DQ कैंडिडेट्स का मेडिकल चेकअप, 18 कैंडिडेट का जो है री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो है आपका नोटिस दिया। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि नई वैकेंसी कब तक आएगी, क्या 2025 में नई वैकेंसीज आएगी। तो डियर, अगर आपको नई वैकेंसी चाहिए, जल्दी चाहिए, तो आप अनुभव सर को सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो, आपको लगता है कि नई नई वैकेंसीज आनी चाहिए, नई वैकेंसीज नई सिरे से वैकेंसीज को क्लियर होना चाहिए, चाहे वो पुरानी वैकेंसी हो या नई वैकेंसीज हो, उसको एग्ज़ाम बेसिस पे होना चाहिए, तो आप सपोर्ट कर सकते हो। आपकी इच्छा है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। और आज मैं अगर बात करूं तो 1 नवंबर को ना 1 नवंबर को एक नोटिस जो है BTSC के तरफ से जारी किया गया, और BTSC के तरफ से जो नोटिस जारी किया गया वो ITI ट्रेड इंस्ट्रक्टर का जो है आपका रिवाइज्ड रिजल्ट जो है जारी किया गया फॉर एडवर्टीजमेंट 16, जो कि मैकेनिक के लिए था, है ना। तो इसमें 86 सीट्स थे, जिसमें से एक कैंडिडेट को जो पुराने लिस्ट जो जारी किया गया था उसमें फर्स्ट जो लिस्ट जारी किया गया था उसमें उनका नाम था एक कैंडिडेट का, लेकिन जब रिवाइज्ड रिजल्ट आया तो एक कैंडिडेट का नाम जो है उसमें से हटा दिया गया है। हटाने के पीछे रीजंस दिया गया है कि भाई उनका जो मेरिट बनना चाहिए था वो एक्चुअल उनका नहीं बन पाया है। तो सेम प्रोसेस आपके साथ भी होने वाला है यार। जो लोग नीचे से जिनका 0.25 या 0.15 या 0.35 से मतलब पॉइंट से सिलेक्शन हुआ है, है ना, मतलब जो कट ऑफ मार्क्स जारी किया गया था, कट ऑफ मार्क्स, तो अगर कट ऑफ मार्क्स मानकर चलो कि 75.63 जारी किया गया है और आपका सिलेक्शन जो है 75.9 पे अगर सिलेक्शन हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं जो रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट आने वाला है उससे अनुसार आप बाहर हो सकते हैं, आप बाहर हो सकते हैं, ये 100% होगा। और क्यों होगा, क्योंकि लगभग जो है 3000 कैंडिडेट, लगभग जो है 3000 कैंडिडेट इसमें जो है एक्स्ट्रा ज्वाइन करने वाले हैं, जिसमें से SBTE प्राइवेट कॉलेज से जो पढ़े हैं वे लोग शामिल होंगे, प्लस 18 कैंडिडेट जिनका जो है री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वो लोग शामिल होंगे। तो लगभग 3000 कैंडिडेट यहाँ पे जो है शामिल होने वाले हैं, लगभग 3000 कैंडिडेट शामिल होने वाले हैं। तो ऑब्वियसली जो पहले मेरिट लिस्ट बना था उसमें से कुछ ना कुछ कैंडिडेट तो बाहर होंगे ही होंगे, अगर इसका आधा भी करते हैं तो कम से कम 1500 नहीं तो 1000 कैंडिडेट जो है आपका बाहर हो जाएंगे, जो पहले के अनुसार मेरिट लिस्ट बना था उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अब यहाँ पे जो है इतने लोग बाहर होने वाले हैं, लगभग 1000 कैंडिडेट बाहर होंगे। अब देखना यह है कि किसको बाहर किया जाता है, किसको अंदर किया जाता है, कितने फेक स्टूडेंट इसमें आते हैं, कितने सही कैंडिडेट आते हैं, कितने पुल पुलिया गिरते हैं, कितने घूस लिए जाते हैं, क्योंकि सैलरी तो बढ़ा दिया गया है बहुत सारे लोगों का, लेकिन पुल पुलिया गिरना अगर बंद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन घूस लेकर काम किया जाए और पुल पुलिया वैसे ही गिरता रहे तो फिर ये किसी काम का जो है नहीं रहेंगे जो भी जूनियर इंजीनियर बनकर जाएंगे, क्योंकि अपनी अंतरात्मा को बेच
बैठे हैं, क्योंकि फॉल्स डिग्री लेना है ना, अपने चाचा भतीजे को ज्वाइन करवाना, इस तरीके की प्रथा जो अपनी बिहार में चलती आ रही है, और कब तक ये चलती रहेगी इसका कोई अभी अंदाजा भी नहीं है। बट इसके खिलाफ आपको जो है आवाज, अगर आपको लगता है कि आवाज उठानी चाहिए तो आप अनुभव सर को सपोर्ट कर सकते हो। दैट्स और डिपेंड ऑन यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कई मुझे पता है कि इसमें भी कई सारे लोग गाली देंगे कि तुम चमचे हो गए, तुम उसके दलाल हो गए, इस तरीके की बातें सुनने को मिलेगा, मुझे पता है। बट जिनको लगता है कि ये जुनविन है, अपने अधिकार के लिए वो लड़ रहे हैं और आपके अधिकार उस क्षेत्र में आता है, तो आप भी उनको सपोर्ट कर सकते हो, है ना। क्योंकि देखो, एक बोला जाता है ना, छोटे छोटे बूंद से जो है एक घड़ा भर सकता है पानी का। तो फिर ये तो भाई पूरा बिहार में जूनियर इंजीनियर की ना जाने कितने लोग इंतजार कर रहे हैं बहाली का, 2020 से लेकर 2024 का, मतलब 20, 21, 22, 23, 24, मतलब 5 साल के स्टूडेंट जो है अभी तक वेट कर रहे हैं कि जूनियर इंजीनियर का जो है बहाली आएगा, हम जो है बिहार में जॉब करेंगे, वो सपना धरा का धरा ही रह जाएगा। तो उस सपने को अगर पूरा करना है तो जो आपके लिए खड़ा हुआ है, जो आपके लिए लड़ रहा है, आप उसको तो सपोर्ट कर ही सकते हो। ओके, बाकी आपका जो भी राय रहेगा आप कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि जो भी अपडेट्स मैं प्रोवाइड करूँ वो सारी अपडेट्स आप तक जो है टाइम पे पहुँच सके। थैंक यू।